जाएंगे घर पर। तो आई होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ये क्या है? सॉरी। क्या एडिटर वाले भैया क्या कर रहे हो यार, लास्ट के लिए आगे कैसे बता रहे हो? तो बात कुछ ऐसी है कि ऐसे तो स्टोरी में मजा आ नहीं रहा है, तो वापस आप एक बार फ्लैशबैक में चलिए और आपको वहीं से बताते हैं कि क्या है आज। दरअसल बात यह है कि ये जो लोग बन रहा है वो बन रहा है जन्माष्टमी के दिन रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास, और इस व्लॉग में होने क्या वाला है वो मेरे ख्याल से मिस्टर ग्लाउस बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हम आए थे कौन है ये लोग? जा पूछ क्या। हम लोग आए थे जोधपुर में इस्कॉन मंदिर पर, तो आप देखिए अंदर का नज़ारा, आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा पूरा मंदिर जो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर जन्माष्टमी के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में ठीक है ये बता देंगे यार। ये आप पकड़ो कैमरा। अभी हम जा रहे हैं सब, आज मतलब जन्माष्टमी है इसलिए हम आए हैं इस्कॉन मंदिर जोधपुर के लिए। अभी सब अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, आपको पूरा शॉर्ट वीडियो। दरअसल हम जिस काम के लिए आए वो काम सबसे पहले कर लेते हैं, यानी इस्कॉन मंदिर के अंदर से व्यू दिखा देते हैं आपको और कृष्ण भगवान के भी दर्शन करवा लेंगे। तो प्रताप सिंह हमें गाइड कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है इसलिए। और ये जो देख पा रहे हो ये मंदिर के अंदर का व्यू है। आप जो देख पा रहे हो ये है कृष्ण भगवान का अभिषेक, तो अभिषेक हम भी करने वाले हैं तो इसलिए आप आगे भी देखते रहना। हाँ जी, तो मंदिर के अंदर तो पूजा हो चुकी है लेकिन हमारी अभी पेट पूजा बाकी है, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं उसके बाद आपको और भी अच्छे से व्यू बताएंगे। अभी हम सब उपवास खोल रहे हैं, हमारा उपवास उपवास तो हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब बात यह है कि मैं ज़्यादातर व्लॉग में कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए इस व्लॉग में मैं कम ही बोलूँगा, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। तो आप आई होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे अभी तक का व्यू। तो अभी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, मछली मिल चुके हैं। ये देखो समुद्र के अंदर जाके प्रणाम करते हैं। तो हम वापस फिर आ चुके हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि
अशोक सिंह के हाथों से होने वाली है आरती, तो आप व्लॉग देखते रहिए। नए ब्लॉगर हैं, ये हमारे पुराने ब्लॉगर हैं और ये आने वाले ब्लॉगर हैं। क्या बोल, मतलब अभी प्रोग्राम से हो चुका है, अभी हम बैठे हैं इधर, अब नाश्ते की तैयारी चल रही है। नाश्ता नाश्ता कर दिया ना? वो नाश्ता था, अभी खाने खाने की तैयारी चल रही है, फिर देखेंगे आगे। इतने अभी बताते हैं, फिर खाना खाएंगे तब और दिमाग में आएंगे, और दिमाग में जितने आइडिया आएंगे सब बताएंगे आप। ठीक है, ओके बाय। और ये हमारे नए साथी, ये उपमा राम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उपमा राम जाएंगे। तो अभी हो चुका है मेन प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोग्राम का क्या नाम है वो मेरे को पता नहीं है, बट आप देख लो, क्योंकि व्यू यहाँ का है ना भाई, क्या बोलूँ व्यू के बारे में, ऐसे व्यू के लिए लोग तरसते हैं और हमें ऐसे मिल गए। अभी हम खाना खा रहे हैं, आप सबको लग रहा होगा हम दूसरी बार खा रहे हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं, क्योंकि उस टाइम हमने नाश्ता किया था, क्योंकि वो मतलब उपवास, मतलब उपवास अब टूटेगा। ओके, अब हम खाना खा रहे हैं, आप भी इंजॉय करना, हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर करना, सब्सक्राइब, एंड आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ऐसा लगे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, बाय बाय। तो अभी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, और अभी ये भी बोल रहे हैं कि अभी निकलने वाले, थोड़ा सा रहा है प्रोग्राम, उसके बाद प्रोग्राम एंड होने वाला है, तो घर भी हमें जल्दी जाना है। लगभग अभी लगभग एक बज रहे हैं, टाइमिंग के हिसाब से तो एक बज रहे हैं, और हमें घर पहुंचते लगभग डेढ़ घंटा और लग जाएगा, लगभग हम 2:30 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे घर पर। तो आई होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो आपको, जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करना तो है ही है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए वो ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय मना सकती।